हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ शलवार की कली काटते टाइम छोटी बड़ी क्यों हो जाती है। इसका मैं आपको बिल्कुल सही तरीका आज आपको बताने वाली हूँ। और आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो शलवार की कली बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं होगी, दोनों साइड से बिल्कुल बराबर आएगी। आइए तो इसका मेज़रमेंट हम लिख लेते हैं। 36 इंच इसकी हम लेंथ रखेंगे, जो हम शलवार की कटिंग करेंगे उसकी 36 इंच लेंथ है। और 5 इंच की हमें उसे बेल्ट लगानी है, और बेल्ट हटा के हमारा 31 इंच रहेगा टोटल। 31 इंच हमें इसकी लेंथ रखनी है। 5 इंच की हमारी ये बेल्ट है और 2 इंच का हमारा नेफा रहेगा और 20 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। ये हमारी बेल्ट है। आइए 36 इंच लंबाई की हम शलवार कटिंग करते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये 38 इंच का डबल फोल्ड कर लिया है मैंने कपड़ा है। ये 2 मीटर से भी कम कपड़ा है, इसी में हम शलवार की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये 12 इंच पर निशान लगाए हैं। मैंने ये डबल फोल्ड कर रखा है कपड़ा, और यहाँ पर हम 12 इंच का निशान लगाएंगे किनारी साइड से। 12 इंच का हम इस तरीके से बराबर बराबर निशान लगा लेंगे। अब जहाँ पर हमारा निशान लगाया है 12 इंच का, देखिए यहाँ पर है, कपड़े को हम यहीं तक फोल्ड करेंगे। इससे आगे हमें कपड़ा फोल्ड नहीं करना, 12 इंच तक ही हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए फोल्ड होने के बाद ये 6 इंच के हैं, 6 इंच के हम इसके पट रख रहे हैं। सलवार के पट हम इसके 6 इंच के रख रहे हैं। इस तरीके से हमने फोल्ड करके नाप लिए हैं। अब यहाँ पर एक निशान लगाया है जो सिलाई में इतना हमारा आधे इंच करीब का दबाव रहेगा। 5 इंच हमने ऊपर की तरफ बेल्ट के लिए निकाला है इंची टेप, जो हमने ऊपर की तरफ निकाला 5 इंच की बेल्ट लगेगी। और 36 इंच सलवार की लेंथ है। देखिए 36 इंच पर हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है इंची टेप रखकर। अब आधे इंच यहाँ से नीचे एक्स्ट्रा रखा है हमने, जो मोहरी हम अलग से लगाएंगे तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। देखिए यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे सीधा इंची टेप से इस तरीके से। और यहाँ पे हमने 6 इंच के पट रखे हैं, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम। 1.5 इंच ये हम कली का एक्स्ट्रा रख रहे हैं, और मोहरी इसके हम अलग से लगाएंगे। यहाँ पर कली पे हमने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है, और अब दूसरी साइड भी हम कली का 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। देखिए निशान हमने 1.5 इंच पर लगा लिया है। अब इस इधर साइड जो 1.5 इंच रखा था और इधर साइड, वहाँ दोनों तरफ इंची टेप रखकर हम इस तरीके से चौक का निशान लगा लेंगे। ये हमने कली का निशान लगाया है, और कली हमारी दोनों तरफ से बराबर किस तरीके से आएगी वो बिल्कुल सबसे अलग हटके तरीके मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इस तरीके से आपने इंची टेप का निशान लगा लिया, पूरी कली का ये निशान लग चुका है। देखिए हमने ये निशान लगाया है। अब हमें कली को बराबर किस तरीके से करना है ये देखिए, हम दूसरी साइड से इसको नाप रहे हैं। ये हमने पूरा टोटल आधे इंच ऊपर और आधे इंच नीचे की तरफ दबाव छोड़ा है, तो टोटल है ये हमारा 32 इंच। 32 इंच हम इधर साइड में भी निशान लगा लेंगे। देखिए 32 इंच पर हम इस साइड में निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब दोनों साइड से ये हमारा बराबर है, उस साइड भी हमारा 32 इंच का है टोटल, इधर साइड भी 32 इंच का है। अब यहाँ से हम सीधे एक चौक का निशान लगा लेंगे। ध्यान रखिए जितना हमने उधर साइड रखा है पट है हमारे 32 इंच के लेंथ, इसी तरीके से हमें कली की भी लेंथ 32 इंच ही रखनी है। ये हमारा निशान लग चुका है। अब देखिए कली हमारी बराबर किस तरीके से आएंगी। हम इंची टेप को लेकर इस तरीके से रखना है हमें दूसरी साइड से। हमने ये इंची टेप रख लिया है। अब इंची टेप को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए किनारी तक हमें ये फोल्ड करना है, और जहाँ तक हमारा ये आधा इंची टेप आया है उसका निशान हमारा चौक का बिल्कुल बराबर है, यानी कि दोनों कली हमारी, दोनों साइड की कली हमारी बिल्कुल बराबर आएंगी। आप कली को इसी तरीके से काटना, एक बार ज़रूर काट कर देखना, बिल्कुल कली दोनों तरफ से बराबर आएंगी। ये बिल्कुल सही तरीका है कली कटिंग करने का, दोनों तरफ की कली बिल्कुल बराबर आएंगी। इस तरीके से आप कली काटोगे तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। ये देखिए दोनों साइड की कली कट चुकी हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे, इसमें से हमारी बेल्ट निकलेगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। देखिए कली हमारी कट चुकी है। अब मैं आपको इसको इसी के ऊपर रख के दिखाती हूँ कि कली बिल्कुल बराबर है, कहीं से भी छोटी बड़ी कली नहीं है। देखिए इस तरीके से कली को हम इसी के ऊपर रख लेंगे। अब इसके आसन का निशान लगाएंगे हम। देखिए एक बार मैं आपको कली दिखा देती हूँ। ये दोनों कली इसके ऊपर इस तरीके से हमने रख ली है। आधे इंच का दबाव रहेगा, इसलिए हमने एक दूसरे को आधे इंच के दबाव से रखा है। अब यहाँ से हम इसके आसन का निशान लगाएंगे। हमने ये एक निशान लगाया है, और ऊपर की तरफ हमने ये 5 इंच बेल्ट का इस तरीके से निशान लगा लिया है। 14 इंच पे हम इसके आसन का निशान लगाएंगे। ये 14 इंच पे हमने यहाँ पर आसन का निशान लगाया है। देखिए इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है आसन का।
और इसमें हम 5 इंच की रुमाली लगाएंगे। यहाँ हमने 5 इंच की रुमाली का निशान लगा लिया है और उसके बाद हम यहाँ से सीधा इंची टेप रखकर एक सीधा निशान लगा लेंगे। ये हमने एक निशान लगा लिया है सीधा और इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा कम कपड़ा था, 2 मीटर से भी कम, इसलिए इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो घेर अच्छा आ जाएगा शलवार के अंदर। यहाँ से हम इसमें रुमाली ज्वाइन कर, देखिए रुमाली कट कर तैयार हो गई है। अब हम बेल्ट का निशान लगाते हैं। 20 इंच इसकी हमने चौड़ाई ली है और 1/2 इंच नीचे निशान लगाया दबाव के लिए। 5 इंच की इसकी लंबाई है और 2 इंच इसका हमने यहाँ से नेफे के लिए रखा है। इस तरीके से हम पूरा निशान लगा कर इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो में कुछ भी आपको समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप सिलाई से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसी की अपलोड कर दूंगी। देखिए हमने इस सलवार की कटिंग करके आपको दिखाई है और आप इस तरीके से सलवार की कटिंग करोगे तो आपकी सलवार की कली बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और ये 2 मीटर से भी कम कपड़ा था जिसमें मैंने आपको सलवार की कटिंग करके दिखाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी।